हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन एनविरा ऑनलाइन स्कूल यूट्यूब चैनल। इन दिस वीडियो वी विल रीड चैप्टर फर्स्ट, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। यानी हमारे पास्ट के बारे में हम जानेंगे, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, कब हुआ था और कहाँ हुआ था। तो इस चैप्टर में, ये चैप्टर वैसे बेसिकली स्टार्ट किससे होता है, एक लड़की के क्वेश्चन से होता है जिसका नाम है रशीदा। तो रशीदा हैज अ क्वेश्चन, रशीदा के दिमाग में एक क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन कहाँ से आया था, व्हाइल रीडिंग द न्यूज़पेपर। लेट्स स्टार्ट। रशीदा सैट रीडिंग द न्यूज़पेपर। एक दिन वो बैठे बैठे न्यूज़पेपर पढ़ रही थी कि सडनली अचानक हर आईज उसकी दृष्टि पड़ी या उसकी नजर पड़ी थी किस पे, ऑन अ स्मॉल हेडलाइन, एक छोटी सी हेडलाइन पे गई थी, क्या 100 years ago, यानी 100 वर्ष पूर्व। हाउ, अब यहाँ पे जब रशीदा के दिमाग में क्वेश्चन आता है तो हमारे दिमाग में भी ये क्वेश्चन तो यो समझ लो कि चिपक ही जाता है, स्ट्रक अ क्वेश्चन दैट हाउ, यानी कैसे हो सकता है ये। कि सी वंडर्ड, उसको आश्चर्य हुआ, हमें भी हुआ, कि खुद एनीवन नाउ व्हाट हैड हैपन 100 many years ago, क्या कोई जान सकता है कि इतने साल पहले कैसे क्या हुआ था। क्या अब मैं आपसे ही सवाल पूछती हूँ, आपसे ही क्वेश्चन करती हूँ, क्या आप जान सकते हो। जैसे मैं आपसे पूछती हूँ कि कल आपने क्या खाया, तो आप बता देंगे, ठीक है, या लास्ट ईयर आपकी आप कौन सी क्लास में थे और कौन कौन से टीचर्स आपको पढ़ाते थे, आप अच्छे से बता सकते हो, ठीक है। यानी कल क्या हुआ था, यस्टरडे क्या हुआ था, वो आप अच्छे से बता सकते हो, ठीक है। एंड 1 year ago, करीब एक साल पहले क्या हुआ था, 1 year ago क्या हुआ था, वो आप बता सकते हो, ठीक है। और अब इससे भी साला इस सॉरी इससे भी ज़्यादा, अगर 1 year ago का तक आप बता सकते हैं, ठीक है। अब अगर मैं पूछूं आपसे कि 10 years ago क्या हुआ था, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप अपने किसी से पूछेंगे, यानी अपना आप अपने बड़ों से बात करेंगे कि कैसा हुआ था, मैं कैसा दिखता था, मैं क्या करता था, आप ऐसे इन इन चीज़ों को जानेंगे, ठीक है। अगर आपके दिमाग में, जैसे दिमाग रशीदा के दिमाग में क्वेश्चन आया था, वैसे ही यदि हम भी यदि न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं तो हमारी भी एक सवाल आता है कि जैसे हम अभी लोग रह रहे हैं, हम अभी खा रहे हैं, हमारे जो अभी लाइफ स्टाइल है, क्या हम पहले से ही ऐसे ही थे, या इससे पहले लोग कैसे खाते थे, क्या ऐसे पहनते कपड़े पहनते थे, कैसे वो व्यापार करते थे, वो बच्चे क्या करते थे। तो यानी करीब समझ लो कि 100 साल पहले या इससे भी पहले क्या हुआ था, यानी हमारा जो लाइफ स्टाइल है, हमने कैसे रहना शुरू किया था, तो उसके बारे में यदि हमें जानना होगा तो हम कैसे जानेंगे। तो यहाँ पे भी यही दे रखा कि फाइंडिंग आउट व्हाट हैपन, यानी जानो, पता लगाओ कि कैसे हुआ, कैसे पता लगा सकते हैं। लाइक दैट यस्टरडे, यानी हमें अगर कल के बारे में जानना है, यानी कल क्या, कौन सी, क्या कोई भी, अगर कोई भी लाइक दैट कोई भी इंसिडेंट एक्सीडेंट कुछ भी कैसा भी घटित हुआ हो या हमें कुछ भी जानना हो, तो देन वी कुड लिसन रेडियो, वी कुड वॉच टेलीविजन एंड वी कुड रीड अ न्यूज़पेपर। हम इनके द्वारा पता लगा सकते हैं, या तो रेडियो सुनेंगे या टेलीविजन के थ्रू या न्यूज़पेपर के थ्रू। आस्क समबडी हू रिमेम्बर्स, यानी आपको जब याद रहेगा तो आप उनको उनका बता सकते हो, ठीक है। यानी जब आपसे पूछा गया कि यस्टरडे आपके साथ में क्या हुआ था, सपोज आपसे पूछा जाएगा आपने क्या खाया था, तो आप बता सकते हैं। या यदि आपसे पूछा जाए कि बहुत समय पहले क्या खाया था, तो क्या आप बता सकते हो क्या कि आपने क्या खाया था एक साल पहले। सपोज आपसे 1 week ago यदि आपसे पूछ लिया जाएगा आपने क्या खाया था, तो उसके लिए आपको सोचना पड़ता है। दैट मीन्स यदि आपको रिमेम्बर्स, यदि आपको याद है तो आप बता सकते हैं, ठीक है। देन बट हाउ, बट व्हाट अबाउट लॉन्ग एगो, यानी जब बहुत बहुत पहले हुआ था उसके बारे में कैसे जानते हैं। देन लेट अस सी, चलो देखते हैं हाउ इट्स कैन बी डन। तो बहुत पहले क्या हुआ था, इसको कैसे किया जा सकता है, इसको कैसे जाना जा सकता है। देन क्वेश्चन मार्क आया ना आपके, तो हम कैसे जान सकते हैं, तो कैसे जानेंगे हम इसके बारे में कि व्हाट कैन वी नाउ अबाउट द पास्ट, हम हमारे पास्ट के बारे में कैसे जान सकते हैं।
जैसे आपके दिमाग में आया ना, यहाँ आपने 100 साल पहले आया तो आया, और यदि आपसे पूछ ले क्या खाया तो कैसे खाया, हम कैसे रहते थे, हमारे कौन थे, यानी पूर्वज कौन थे हमारे, तो वो सारी चीज़ें जानने के लिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस चीज़ को पढ़ना पड़ेगा। देन लेट्स रीड, देर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट, यानी बहुत सी ऐसी है जिससे हम जान सकते हैं, क्या पता लगा सकते हैं, जान सकते हैं, पता लगा सकते हैं, फाइंड आउट पता लगा सकते हैं, क्या पता लगा सकते हैं कि व्हाट पीपल ईट, यानी जैसा हम अभी खाते हैं क्या लोग वैसे ही खाते थे, जैसे अभी तो क्या स्विगी क्या जोमैटो, हम एक ऑर्डर देते हैं और एक ऑर्डर पे हमारे सामने खाना आ जाता है, क्या पहले भी ऐसा होता था, बिल्कुल नहीं। तो पहले लोग कैसे खाते थे, क्या खाते थे, किस तरीके का खाते थे, तो उनकी वो फिर द काइंड्स ऑफ क्लोथ्स दे वोर, यानी जैसे कपड़े हम अभी पहनते हैं, जैसे सिले सिलाए न्यू स्टाइल, नया नया स्टाइल आता अभी तो, ठीक है, क्या लोग पहले भी ऐसे पहनते थे या उनके कपड़े कैसे हुआ करते थे, ठीक है। जब हम जानेंगे इसके बारे में, हम देखते हैं, जैसे अगर अपन कोई भी मूवी देखते हैं जिसमें हमारे बहुत सालों पहले का बताया जाता है, तो उसमें हम देखते हैं उनके कपड़े किस तरीके के, जैसे कपड़े क्या उनके तो पेड़ों की छाल को ही वो चारों तरफ ऐसे लपेट लेते थे, तो हम कैसे जान सकते हैं कि वो क्या पहनते थे, क्या खाते थे। द हाउसेज, यानी उनके घर कैसे होते थे, इन विच दे लिव, जिसमें वो रहते थे उनके घर कैसे होते थे, ठीक है। देन वी कैन फाइंड आउट अबाउट द लीव्स ऑफ हंटर्स, तो यहाँ देखो सबसे पहले हंटर्स आया, दैट मीन्स हम सबसे पहले क्या थे, शिकारी थे, और हंटर्स किसको बोलते हैं, वन वो हंटेड एनिमल्स, यानी जो जानवरों का शिकार करता है। तो पहले हम कैसे थे, हंटर्स, उसके बाद में हम क्या बने, हर्डर्स, यानी हर्डिंग करनी शुरू की थी, यानी जानवरों को पालना शुरू किया था, पशुओं को पशुपालन शुरू किया था, ठीक है। यानी शिकारी के बाद पशुपालन बने, उसके बाद क्या बने, धीरे धीरे क्या बन गए, वो फार्मर्स, यानी किसान बनने लगे। किसान बनने तब उन्होंने क्या शुरू किया था, कृषि करना, खेती करना शुरू किया था, और जब कृषि करना शुरू किया तो धीरे धीरे वो क्या बन गए, रूलर्स, यानी शासक भी बनने लगे, और जब शासक बनने लगे यानी रूलर्स उनके ऊपर बन गए, तो जब रूलर्स बन गए तो धीरे धीरे उन्होंने कुछ में से, यानी फार्मर्स यानी कृषि कार्य करने के बाद जब शासक बने, तो धीरे धीरे उनमें किसका, सभ्यता का विकास हुआ था, तो सभ्यता का विकास हुआ तो धीरे धीरे उनमें से सम वन बिकेम मर्चेंट्स, उनमें से कुछ क्या बन गए, व्यापारी बन गए। Some became priests, कुछ क्या बन गए, पादरी किनको बोलते हैं, जो चर्च में पूजा करते हैं, जो चर्च में होते हैं, मंदिर में होने वाले को पुजारी या पुरोहित, किसी ने धर्म कर्म का काम करना शुरू किया था, ठीक है। और कुछ क्या बन गए थे, क्राफ्ट्स पर्सन, कुछ ने शिल्प में अपना हाथ आजमाना शुरू किया था, कुछ आर्टिस्ट, कुछ क्या बन गए, कलाकार बन गए, और वो किस तरीके से बनेंगे, बने थे, हम इसके बारे में, यानी ये बुक, यानी जो ये चैप्टर दे रखा है, ये हमें हमारे पूर्ण अपने पास्ट के बारे में एक्सप्लेन करता है कि लोग किस तरीके से धीरे धीरे, ये देखो फर्स्ट पहले किस तरीके से उन्होंने एक एक करके ये क्रम, ये इनका देखो, ये सारा दे रखा, ऑर्डर्स अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर, यानी कुछ मर्चेंट बने, कुछ प्रिस्ट बने, कुछ क्राफ्ट पर्सन बने, कुछ आर्टिस्ट बन गए, धीरे धीरे उनमें से कुछ ने किसमें, म्यूजिशियंस, यानी कुछ ने संगीत में रुचि लेना शुरू किया, फिर धीरे धीरे कुछ क्या बन गए, साइंटिस्ट, कुछ वैज्ञानिक, यानी विज्ञान, यानी उसको खोजने भी लगे कि ये क्या है, प्रकृति क्या है, कैसा है, उसके बारे में जानने लगे। देन वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट, और हम ये भी जान सकते हैं, फिर धीरे धीरे हम जब हम इनके बारे में, यानी हम अपने पूर्वजों के बारे में जानेंगे, तो जब हम बच्चे हैं तो आप बच्चों के दिमाग में ये भी आता है कि अबाउट द गेम चिल्ड्रन प्लेड, यानी जब वो उस समय के बच्चे कैसे हुआ करते थे, यानी वो क्या कैसे खेलते थे, कौन से गेम खेलते थे, या कौन सी स्टोरी पढ़ते थे, या स्टोरी दे हर्ड, यानी वो कौन सी स्टोरी उनको सुनना पसंद करते थे, ठीक है। एंड द प्लेज, यानी वो किस प्रकार के नाटक देखा करते थे, जैसे अभी तो हम तो अभी सीरियल्स देखते हैं, इतने सारे नई नई है, जिसे हमारे
तरप तो दुनिया भर के क्या है, गेम्स भी हैं, और स्टोरी को तो बात ही पूछो ही मत, इतनी सारी स्टोरीज है। तो आपके दिमाग में यह क्वेश्चन तो दिमाग में आता ही आता है ना कि उस समय के बच्चे कैसे हुआ करते थे, किस तरीके से वो अपना टाइम पास करते थे, द सॉन्ग्स दे सेंग, यानी वो गाने किस प्रकार के गाते थे। तो सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन बनता है कि हम पास्ट के बारे में कैसे जान सकते हैं, देन वी कैन नाउ वी कैन फाइंड आउट, हम कैसे इन सभी के इनके इन उनके खाने से लेकर उनके रहने कपड़े तक को लेकर या इनके माध्यम से ही हम जान सकते हैं कि हमारा पास्ट कैसा था। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया ना। अब देखिए कि वेयर, अब सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या बनता है कि वेयर डिड पीपल लिव, लोग रहते कहाँ थे। ठीक है, तो यानी लोगों ने रहना कहाँ शुरू किया था, सबसे पहला क्वेश्चन दिमाग में क्या आता है, यही आता है। ठीक है, देन अब देखिए आप फाइंड द रिवर नर्मदा, यानी नर्मदा रिवर का यहाँ पे फाइंड द रिवर, आपको नर्मदा रिवर को देखना है किस पे, एक मैप दे रखा है पेज 2 पे, इस मैप को आप इसको अच्छे से देखिए। यानी सबसे पहले उन्होंने कहाँ पे रहना शुरू किया था, नर्मदा रिवर के बैंक यानी किनारों पर, इसके किनारों पर, और इसकी जो ट्राइब्यूटरी है यानी इसकी जो ट्राइब्यूटरी यानी सहायक नदियाँ हैं जो इसमें आकर मिलती हैं, तो वो कौन कौन सी नदियाँ, लाइक दैट चंबल है, सतपुरा है, जो नर्मदा रिवर में आके मिलती हैं, ये महानदी रिवर है, तो ये सारी इसमें आकर मिलती हैं। तो सबसे प्राचीन यानी जो पीपल, जो लोग थे, उन्होंने कहाँ रहना शुरू किया था, पीपल हैव लिव्ड अलोंग द बैंक्स ऑफ दिस रिवर फॉर सेवरल हंड्रेड थाउजेंड ईयर्स। यहाँ से हम पता लगा सकते हैं कि सबसे पहले यानी इसका क्वेश्चन क्या आता, इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, सबसे पहले कि लोगों ने अरब में यानी स्टार्ट में कहाँ, किसके बैंक पे, यानी दिस रिवर, विच रिवर, नर्मदा रिवर के किनारे पर उन्होंने रहना शुरू किया था। एंड सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल, इनमें से कुछ जो आदि मानव थे, वो लिव हर वर स्किल्ड गैदर्स, यानी जो आदि मानव, जिन लोगों ने यहाँ रहना शुरू किया था, उनमें उन लोगों में से कुछ क्या थे, स्किल्ड गैदर्स, उनमें कौन सी स्किल थी यानी उनमें कौन सी गुण था, यानी संग्रहण करने का, कोई भी वस्तु थी, लोग पहले किस में विश्वास रखते थे, संग्रहण करने में। ठीक है, और वो संग्रहण किसके लिए करते हैं, जैसे आज के अपन पक्षियों को भी देखेंगे, वो बाहर जाते हैं तो किस लिए जाते हैं, क्या वो दाना पूरा जो लेके आते हैं, क्या वो दाना पूरा थोड़ी खाते हैं, वो अपने घोंसले में एक जगह ऐसी रखते हैं जहाँ उस दाने को उस समय के लिए, जब भारी आंधी बारिश तूफान हो तो उस समय के लिए उस दाने को काम में ले सके, इसके लिए वो क्या करते हैं, संग्रहण करते हैं, यानी गैदरिंग में विश्वास रखते हैं। तो जब लोगों ने नर्मदा रिवर के बैंक पे यानी किनारे पे रहना शुरू किया था, तो उन लोगों में ये स्किल्ड भी आ गई थी, यानी उनको ये भी, उनमें एक कला आ गई थी, दैट इज यही थी, कौन सी की थी कि स्किल गैदर्स यानी संग्रहण करने की कला। देन पीपल वो गैदर्ड देयर फूड, यानी लोगों ने क्या किया था, लोग जो क्या करते थे, जिस जो इस चीज़ को जानते थे, किस चीज किसके बारे में जानते थे, कि द न्यू अबाउट द वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट्स इन द सराउंडिंग्स फॉरेस्ट्स एंड कलेक्ट फॉरेस्ट्स, यानी वो इस आसपास की यानी जो नर्मदा नदी के आसपास जो भी जंगली एरिया था, जो भी जंगल थे, तो उन जंगल में मिलने वाली वो विशाल किसको, वेल्थ ऑफ प्लांट्स, दैट मीन संपदा, कौन सी संपदा, यानी जो सच में वनस्पतियां जो मिलती है ना, वो हमारे लिए किसके समान होती है, एक औषधि के समान होती है। और हमारे पूर्वज इतने लंबे समय तक कैसे जीवित रहते थे, क्योंकि वो टोटली किस पे डिपेंड थे, टोटली किस पे, प्लांट्स पे ही डिपेंड थे, और सारा नेचुरली था, किसी भी तरीके का कोई आर्टिफिशियल नहीं था। जबकि आज के आप फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह कुछ भी देखोगे, तो आजकल के फार्मर्स उसको जल्दी उगाने के लिए या कम समय में दो दो फसल लेने के लिए वो क्या करते हैं, केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स का यूज़ कर लेते हैं। तो उनके यूज़ से क्या होता है, वो उनका जो फ्रूट्स का या वेजिटेबल्स का जो नेचुरली होता है, जो नेचुरली उसके एलिमेंट्स होते हैं, वो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो लोग थे ना,
इनमें ये जो कला थी इसके कारण ही उन्होंने क्या किया था, कलेक्टेड रूट्स, उन्होंने जो कंद मूल कहा जाता है इनको, रूट्स को क्या कहा जाता है, कंद मूल, फ्रूट्स एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जो अन्य जंगली उत्पाद थे उनको अपने भोजन के लिए उन्होंने क्या करना शुरू किया था, उन्होंने इकट्ठा किया करते थे। एंड दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स, तो ये इसमें यानी नर्मदा नदी के किनारे पर जो लोग रहे थे ना वो क्या थे, सबसे पहली श्रेणी के क्या थे, हंटर्स, वो शिकारी ही थे। ठीक है, यानी जानवरों की तरह ही वो कंदमूल भी खाते थे और जानवरों की तरह जानवरों का वो क्या करते थे, शिकार भी कर लेते थे। तो पहले के जो लोग थे वो कैसे हो गए, हंटर्स, या तो हंटर्स वाला तो हो गया। अब धीरे धीरे लोग किस तरह बढ़ने लगे तो देखते हैं कि नाउ फाइंड द सुलेमान एंड क्रिथर हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट। अब यहाँ पे जो ये दे रखा है इस मैप पे देखिए, ये रहा देखो, सुलेमान एंड किर्थर जो हिल्स है इस किनारे पर लोगों ने धीरे धीरे, पहले तो सबसे पहले वो यहाँ आसपास तो रहते ही थे, फिर धीरे धीरे वो इधर की तरफ उन्होंने रुख किया। यानी इस क्षेत्र के कुछ ऐसे स्थान हैं, यहाँ पे कुछ ऐसी जगह है, यानी सम ऑफ द एरियाज वेयर वुमन एंड मैन फर्स्ट बिगेन टू ग्रो क्रॉप सच एज व्हीट एंड बैली अबाउट 8,000 ईयर्स एगो। यानी इन जगहों पर लोगों ने क्या किया था, सबसे पहले करीब 8,000 ईयर्स एगो, यानी अब लोग किस तरफ बढ़ने लगे थे, फार्मर की तरफ, ठीक है, सॉरी फार्मर नहीं, हर्डर की तरफ। यानी लोगों ने क्या किया था, फर्स्ट सबसे ये दूसरा स्टेप यहाँ स्टार्ट होता देखो, ठीक है, यानी हंटर से वो हर्डर कैसे बने थे कि उन्होंने क्या किया था, सबसे पहले क्या क्या कुछ फसलें उपजानी शुरू की थी, उगानी शुरू की थी, वीट और बैडली को। तो यहाँ जो क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले उन्होंने कहाँ स्टार्ट किया था, देन सुलेमान एंड किर्तर हिल्स के किधर, इनके नॉर्थ वेस्ट में उन्होंने, और सबसे पहले क्या उगाया था, ठीक है, तो क्या हो गया था, उन्होंने वीट एंड बैरली, ठीक है, आर लोकेटेड हियर, जो कि यहाँ स्थित है। पीपल ऑल्सो बिगेन रेयरिंग एनिमल्स लाइक सीप, गॉट एंड कैटल एंड लिव्ड इन विलेजेस। अब यहाँ लोग, यानी जो लोग थे, जो प्राचीन लोग थे, उन्होंने क्या किया था, धीरे धीरे उन्होंने पशुओं को पालना शुरू किया था, और धीरे धीरे वो किसकी ओर बढ़ने लगे, उनका स्टेप, यानी धीरे धीरे वो किसकी श्रेणी में आ गए, फार्मर की श्रेणी में, यानी धीरे धीरे वो फार्मर की तरफ बनने लगे। लोकेट यानी पता लगे, ये द गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड द विंध्यास इन सेंट्रल इंडिया। यानी ये कुछ ऐसी जगह हैं, यानी इस जगह पर ही आप, यानी आप जो भी पता लगाओगे ना इस मैप के थ्रू आप पूरा जान सकते हो। फिजिकल मैप ऑफ द सब कॉन्टिनेंट का मैप दे रखा है यहाँ पे ये। तो ये जो गारो हिल्स है, गारो हिल्स के आसपास ही इन्होंने क्या किया था, धीरे धीरे इन्होंने सबसे पहले इन क्षेत्रों में क्या किया, उन्होंने एग्रीकल्चर डेवलप्ड, यानी वो किसान बनने की ओर मुड़ गए थे, यानी वो किसान बनने लगे थे, यानी कृषि कार्य उन्होंने आरंभ किया था, ठीक है। और कृषि का यहाँ पे जब कृषि को इन्होंने डेवलप किया था, तो दीज प्लेसेज यानी ये स्थान वैसे वो है जहाँ पे राइस वाज फर्स्ट ग्रोन, यानी यहाँ पे चावल को सबसे पहले उगाया था, कहाँ पे उगाया गया था, विंध्याज, नॉर्थ ऑफ द विंध्याज, यानी विंध्या के नॉर्थ क्षेत्र में, यानी उत्तरी क्षेत्र में उन्होंने सबसे पहले चावल को हो गया था, ठीक है। नाउ ट्रेस द रिवर इंदूज एंड इट्स ट्राइब्यूटरीज, ट्राइब्यूटरी किसको कहते हैं, यानी सहायक नदियां, ठीक है, कौन सी, किसको कहते हैं सहायक नदियां, कौन सी होती है, कि आर स्मॉलर रिवर्स दैट, यानी वो नदियां जो क्या, किनको कहते हैं, उनको कहते हैं जो बहते बहते फ्लो इनटू अ लार्जर रिवर, एक बड़ी नदी में वो मिल जाती है, तो उनको क्या बोला जाता है, ट्राइब्यूटरीज, ठीक है। अबाउट 4700 ईयर्स एगो, करीब कितने साल पहले, करीब 4700 ईयर्स अगो, करीब कितने, 4700 ईयर्स अगो करीब क्या हुआ था, लोगों ने बसना शुरू किया था, यानी नगर के रूप में। तो सबसे पहले नगर कब बसने, यानी शहर कब बसे थे, सिटीज, यानी सम ऑफ द अर्लीस्ट सिटीज फ्लरिस्ड ऑन द बैंक्स ऑफ दीज रिवर्स, यानी इसी नदी के किनारे, कौन सी नदी के किनारे, द रिवर इंदूज, इसीलिए यानी इंदूज नदी
कौन सी है? सिंधु नदी। और यहाँ सबसे पहले लोगों ने बसना शुरू किया था, इसीलिए सिंधु सभ्यता यानी हमारी सभ्यता सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जाती है। ठीक है, यानी सबसे पहले लोगों ने सिंधु नदी के किनारे ही रहना शुरू किया था, यानी इसके किनारे ही लोगों ने क्या कहा था, शहर बसाए थे, यानी वो एक शहर के रूप में, नगर के रूप में उन्होंने अपना घर बना लिए थे और वो रहना शुरू हुए थे, वहीं पे उन्होंने अपना व्यापार भी शुरू किया था। तो इसीलिए यहाँ पे ये क्या माना जाता है, यानी कब स्टार्ट हुआ था, तो इसका यहाँ पे क्या आता है, फ्लरिज ऑन द बैंक्स ऑफ दीज रिवर्स, यानी इन्हीं इसी नदी के किनारे, यानी सिंधु नदी के किनारे ही नगर सबसे पहले शहर बसे थे और यहीं पे क्या हुआ था कि लोगों ने रहना शुरू किया था। लेटर बाद में अबाउट 2500 ईयर्स अगो करीब 2500 साल पहले क्या हुआ था, सिटीज डेवलप्ड ऑन द बैंक्स ऑफ द गंगा एंड इट्स ट्राइब्यूटरीज एंड अलोंग द सी कोस्ट, यानी करीब 2500 साल पहले ही सिटीज यानी नगर या शहर डेवलप्ड विकसित हुए थे ऑन द बैंक्स ऑफ द गंगा, गंगा नदी के किनारे, एंड इट्स ट्राइब्यूटरीज, इसकी ट्राइब्यूटरी कौन सी, सोन नदी, कौन सी नदी, सोन नदी के किनारे ही, और कुछ लोग समुद्र तट पर लोगों ने रहना शुरू किया था। ठीक है, नाउ लुक एट द गंगा एंड इट्स ट्राइब्यूटरी कोल्ड द सोन, या सोन नदी यानी इसकी सहायक नदी सोन नदी और गंगा नदी को आप इस मैप पे देखिए कहाँ पे है, ये दे रखी, देखो आपकी गंगा रिवर, ये रही गंगा रिवर, ठीक है, और ये रही सोन रिवर, ये इसमें भी आके मिलती है और इसमें भी आके मिलती है। तो इसके किनारे पर ही लोगों ने क्या किया था, इन एंशियंट टाइम्स, करीब बहुत समय पहले प्राचीन काल में, द एरिया अलोंग दीज रिवर्स, यानी जो इस नदी के आसपास का जो एरिया है, यानी गंगा नदी के दक्षिण में, टू द साउथ ऑफ द गंगा, यानी गंगा नदी के साउथ का जो एरिया है, वाज नाउन एज मगध, इसको मगध के नाम से जाना जाता था। नाउ अभी ये क्षेत्र किस में है, लेइंग इन द स्टेट ऑफ बिहार, अभी ये बिहार के राज्य में, यानी वर्तमान में इसको बिहार नाम से जाना जाता है, इसका नाम बिहार हो गया, पहले इसको मगध नाम से जाना जाता था। ठीक है, इट्स रूलर्स वर वेरी पावरफुल, यानी जब लोग किसान बनने से क्या हो गया कि नगर बनने लगे, और जब नगर बनेंगे तो उनका कोई ना कोई उस नगर को देख रेख करने वाला तो होना ही होना चाहिए। तो धीरे धीरे ये नगर किस में होने लगे, मगध राज्य के रूप में, जो आज के समय में बिहार के नाम से जाना जाता है। फिर धीरे धीरे लोग क्या बन गए, रूलर्स, यानी शासन करने का उनके अंदर गुण आने लगा। ठीक है, और जो मगध के रूलर्स थे वो क्या थे, वो वेरी पावरफुल, वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली थे, एंड सेटअप अ लार्ज किंगडम, उन्होंने अपना बहुत बड़ा राज्य स्थापित किया था। ठीक है, किंगडम्स, फिर धीरे धीरे उन्होंने अपने राज्य को क्या किया, वर सेटअप, फैला दिया, कहाँ तक, इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल, जैसा उन्होंने गंगा नदी और सोन नदी के किनारे उन्होंने अपने राज्य को फैलाया था, धीरे धीरे वो पूरे देश में फैलने लगे, यानी अपना परचम उन्होंने फैला लिया थ्रू आउट। फिर जब हम आगे की ओर देखते हैं कि पीपल ट्रेवल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, यानी लोगों ने क्या की थी, फिर यात्राएं करनी शुरू की थी, ठीक है, टू अनदर, यानी एक जगह से दूसरी जगह की ओर, सब कॉन्टिनेंट का मीन्स होता है उपमहाद्वीप, यानी कहाँ रहते थे, जब वो गंगा नदी सोन नदी इन नदियों के किनारे ही रहते थे, फिर धीरे धीरे लोगों ने क्या किया था, इस सब कॉन्टिनेंट से यानी उपमहाद्वीप से दूसरी ओर उन्होंने क्या करना शुरू किया, यात्राएं करना शुरू किया। जब यात्राएं करनी शुरू की तो लोगों को धीरे धीरे वो किस में बदलने लगे, अब धीरे धीरे उनके वो क्षेत्र अलग अलग हो जाएंगे, सम वन बिकेम मर्चेंट, सम वन बिकेम प्रिसर्ट, सम वन बिकेम साइंटिस्ट। तो धीरे धीरे लोगों में क्या होने लगा, उनमें गुणवत्ताएं आने लगी थी। ठीक है, द हिल्स एंड द हाई माउंटेन्स इंक्लूडिंग द हिमालयास डेजर्ट्स रिवर्स एंड
सीज यानी जो पहाड़ियाँ और जो ऊंचे पहाड़ थे, जैसे कि जिसमें क्या शामिल है, चाहे हिमालय हो, डेजर्ट, रेगिस्तान, रिवर्स, क्या नदियाँ और क्या समुद्र, मैड जर्नीज डेंजर्स यानी कई बार तो ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर या इनके ऊपर से गुजरने पर लोगों की क्या होती थी, यानी ये जो उनकी जर्नी यानी जब उन्होंने यात्रा करना शुरू किया था तो उनकी ये यात्रा कैसी होती थी, कई बार तो बड़ी खतरनाक भी होती थी, जोखिम होता था उनकी यात्रा करने में, बट नेवर इम्पॉसिबल, लेकिन उनके लिए क्या नहीं था, कभी भी इम्पॉसिबल उनके कोर्स में ही नहीं था कि डेंजर्स यानी खतरा मोल लेते हुए भी वो क्या करते थे, यात्राएं अपनी अनवरत जारी रखते थे। इसलिए क्या होते थे, क्या यानी उनको क्या करना पड़ा, धीरे धीरे वो माइग्रेशन, अब इसको जो उनकी यात्राएं थी यानी जब एक जगह की वनस्पति या वो पूरा हो जाता था तो धीरे धीरे उन्होंने क्या शुरू करना किया था, तो यानी माइग्रेशन कैसे शुरू हुआ था, ठीक है, यानी देशांतर, एक जगह से दूसरे स्थान पर जाने को क्या बोलते हैं अपन, माइग्रेशन बोलते हैं, ठीक है, या माइग्रेटरी बर्ड्स, जैसे अभी भी देखते हैं ना, जैसे साइबेरियन सारस है तो उसको क्या बोला जाता है, माइग्रेटरी बर्ड ही बोला जाता है, जो एक देश से दूसरे देश में किस लिए आते हैं, मतलब कि उन लोगों ने क्यों, उनको क्यों माइग्रेशन करना पड़ा था, कि मैन एंड वुमेन मूड उनको जाना पड़ा था, किस लिए, कि सर्च ऑफ लिवलीहुड यानी काम की तलाश में, किस लिए, काम की तलाश में, तो कभी कभी उनको किस लिए जगह छोड़नी पड़ती थी, एंड ऑल्सो टू एस्केप, बचने के लिए फ्रॉम नेचुरल डाइजेस्टर्स यानी वो जो प्राकृतिक आपदाएं थी, जैसे किस वजह से छोड़ना पड़ता था, कभी कभी जब वो जहाँ रहते थे फ्लड्स, कभी बाढ़ आ जाती तो कभी ड्रॉट, कभी सूखा पड़ जाता था, तो जब सूखा पड़ जाता था, पानी नहीं होता था, तो उनको उस स्थान से जाना ही पड़ता था, तो इस तरीके से लोगों में क्या हुआ था, और कभी कभी क्या होता था, समटाइम्स मैन मर्च्ड इन आर्मीज, कभी कभी लोग क्या करते थे, यानी विजय प्राप्त करने के लिए, विजय हासिल, दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए क्या करते थे, मार्च्ड यानी वो सेना जाती थी, इन आर्मीज कंक्यूरिंग जीतने के लिए, कंक्यूरिंग जीतने के लिए, अदर्स लैंड्स दूसरों के क्षेत्रों को या जमीन को जीतने के लिए वो क्या करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। बिसाइड्स दूसरी तरफ मर्चेंट्स जो व्यापारी बन गए थे उन्होंने भी क्या किया था, ट्रेवल्ड यात्राएं की थी, किस रूप में करते थे वो, विथ कारवांस या सिप्स, कारवांस यानी वो एक काफिले के रूप में, यानी बहुत सारे होते थे, ठीक है, व्यापारी जो होते थे वो समूह में जाते थे, कैरिंग अपने साथ ले जाते थे, क्या ले जाते थे वो, वैल्यूबल गुड्स यानी मूल्यवान वस्तुएं फ्रॉम प्लेस टू प्लेस यानी बेचने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो लेके जाते थे, यानी इस तरह लोगों ने किस तरीके से धीरे 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 सभ्यता का विकास कैसे हुआ था ये ऐसे यहाँ बताया गया है। एंड रिलीजियस टीचर्स यानी धार्मिक गुरु, वॉक उन्होंने क्यों यात्राएं करनी शुरू की थी, फ्रॉम विलेज टू विलेज यानी इस गांव से दूसरे गांव, टाउन टू टाउन, एक इस कस्बे से दूसरे कस्बे की तरफ, स्टॉपिंग टू ऑफर इंस्ट्रक्शन एंड एडवाइस ऑन द वे, वो उनको शिक्षा देते थे, सलाह देते थे, सलाह देने के लिए कि किस तरीके से जीना चाहिए, ऑन द वे यानी लोगों को किसकी शिक्षा या सलाह देते थे, जीने के तरीके की, हमारा लाइफ स्टाइल रहन सहन कैसा होना चाहिए, इसलिए। एंड फाइनली सम पीपल, फाइनली क्या लोग क्या करते थे, कुछ लोग तो परहैप्स कुछ तो इसलिए यात्राएं करते थे, ट्रेवल ड्राइवन बाय अ स्पिरिट ऑफ एडवेंचर यानी कुछ तो किस लिए यात्राएं करते थे, कि स्पिरिट ऑफ एडवेंचर यानी उत्सुकतावश या रोचक स्थानों को खोजने के लिए, ठीक है, वांटिंग टू डिस्कवर यानी खोजने के लिए न्यू एंड एक्साइटिंग प्लेसेस यानी जो प्राचीन एक्साइटिंग जो उत्साह देते थे, जिसमें जिन जगह को देखकर हमें जैसे उत्साह भी होता है और आश्चर्य भी होता है, ठीक है, जिसको नई नई चीजों को जानने का, ठीक है,
उनको जानने का, रोचक स्थानों को देखने का उनमें होता था ऐसा, उनको खोजने का, नई नई खोज करने का। तो धीरे धीरे लोगों में किस तरीके से उनमें इस जो सिविलाइजेशन का है विकास हुआ था वो बताया गया है। ऑल दिस लेड टू द शेयरिंग ऑफ आइडियाज बिटवीन पीपल। और इस तरीके से जो लोगों की ये ट्रेवलिंग करने की थी, चाहे व्यापार से लेकर हो, चाहे उनको एक जगह से दूसरे जगह पर उनको माइग्रेशन करना पड़ा हो, या किसी वजह से उनको जगह छोड़नी पड़ी हो, तो इस तरीके से जब वो लोग दल में चलते थे, या जो पादरी लोग या जो पुजारी धर्म गुरु थे, जो शिक्षाएं देते थे या नई नई खोज करने के लिए यात्राएं करते थे, तो वो सब समूह में करते थे। तो इस वजह से लोगों को क्या हुआ कि इन सभी से दीज लेड टू, इसने क्या किसको जन्म दिया कि शेयरिंग ऑफ आइडियाज, उससे लोगों को अवसर मिला। किसका? शेयरिंग ऑफ आइडियाज यानी एक दूसरे के विचारों को वो शेयर करते थे। बिटवीन पीपल, लोगों ने आपस में एक दूसरे के आइडियाज को शेयर किया था। तो अब यहाँ इस वीडियो में हमने पढ़ा है कि किस तरीके से हम जान सकते हैं, कैसे जान सकते हैं, और लोगों ने सबसे पहले कहाँ रहना शुरू किया था, किस तरीके से किया था। तो आज की वीडियो में इतना ही, हम बाकी इसका नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। साथ में बने रहने के लिए और वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं कोई आपकी क्यूरियोसिटी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।